जी दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक एट नेशनल स्कॉलर। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे एम्बेसी के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, जो KNB स्कॉलरशिप के रिकमेंडेशन लेटर के लिए डिफरेंट स्टूडेंट्स से पूछ रहे हैं। पहले डिस्कस करेंगे मास्टर और PhD के स्टूडेंट से पूछे गए 8 जनरल क्वेश्चन। उसके बाद डिस्कस करेंगे बैचलर के स्टूडेंट से पूछे गए 3 क्वेश्चन, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे अभी तक के बच्चों की क्वेरीज, जो उनको इश्यूज फेस करने पड़े हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी तो ये हैं 8 क्वेश्चन जनरल, जो कि अभी तक मास्टर और PhD के स्टूडेंट से पूछे जा चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन वो हर बच्चे से पूछ रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्शन का है। इसमें आप नाम, लोकेशन और डिग्री मेंशन कर सकते हैं, कौन सी डिग्री किस यूनिवर्सिटी से आपने ली हुई है। नेक्स्ट, व्हाई यू वांट टू कम हियर इन इंडोनेशिया। पहले आप अपना पर्पस बताएंगे, क्यों आप इंडोनेशिया में आ रहे हैं। तो वो है स्टडी, ना वर्क है और ना ही मैरिज। फर्स्ट आप मेंशन करेंगे फॉर स्टडी और स्कॉलरशिप। उसके बाद बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं इधर और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए मैं इंडोनेशिया आना चाहता हूँ। उसके बाद व्हाई डोंट यू चूज अदर कंट्रीज लाइक यूरोप एंड चाइना। बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग इधर है और बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, ये चीजें प्रीवियस ही आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप एड ऑन करेंगे मुस्लिम कंट्री है, वंडरफुल वेदर है, लॉट ऑफ विजिटिंग प्लेसेस है, मीन के टूरिस्ट हब है। ये चीज इधर क्यों मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज जब हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी तो उसमें उन्होंने खुद हमें टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताया था, और उसके बाद हर साल हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से विजिट भी होता है, मुख्तलिफ टूरिस्ट प्लेसेस पे लेके जाते हैं। ये उनके लिए एक वंडरफुल थिंग है, तो इसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। देयर फॉर इट्स फैंटेस्टिक टू स्टडी इन सच अ कंट्री। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन था, डिड यू योर फैमिली सपोर्ट यू आर नॉट। पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन वो पूछ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब आप इधर आते हैं तो पहले तकरीबन 3 से 4 मंथ तक आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता। स्टाइपेंड आपको तीसरे या चौथे मंथ में वो इशू करते हैं, पिछले भी 2 मंथ का। इसके लिए आपको फैमिली सपोर्ट होना जरूरी है, वो आप लेके ही आएंगे। दूसरा, इसके लिए ये हो सकता है कि बच्चे इधर आते हैं, कुछ के एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए वो इधर वर्क या किसी दूसरे सिस्टम की तरफ इन्वॉल्व ना हो, इसलिए वो ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इसके लिए आप यस सपोर्टिव ही कहेंगे कि फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो। उसके बाद, आर यू विलिंग टू गो अवे फ्रॉम यूर होम। यस आई कैन। अगर आपने डिग्री की या बैचलर की यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रह के, तो वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं कि ऑलरेडी डिग्री की है। उसके बाद अगर कहीं जॉब बायर कर रहे हैं तो इधर थोड़ा सा, मतलब अगर आप एड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नो मैरिज, वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इधर आप आके कोई मैरिज वगैरह नहीं करेंगे, स्टडी कंप्लीट करेंगे और वापस जाएंगे, तो आप इस पे एग्री करेंगे। उसके बाद नो वर्क, इस पे भी आप एग्री करेंगे कि हम कोई इधर वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ स्टडी पे फोकस करेंगे। आफ्टर स्टडी यू विल गो बैक टू योर कंट्री। हर कंट्री का यही रूल होता है कि स्टडी के बाद आप वापस जाएंगे, तो इसमें भी आप एग्री ही करेंगे। उसके बाद बैचलर के स्टूडेंट से ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाई इंडोनेशिया, नो वर्क ओनली स्टडी, एनी अदर फाइनेंशियल नीड। ये इनका क्वेश्चन का भी आंसर मैं ऊपर कर चुका हूँ। एनी अदर फाइनेंशियल नीड्स उससे पूछी गई है, तो उसने कहा कि मेरे पास स्कॉलरशिप एनफ है, तो इसमें मेरा गुजारा हो जाएगा, और उससे ज्यादा अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपनी फैमिली से मंगवा सकता हूँ, मेरे फादर साहब। जी तो अभी कुछ इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी तक स्टूडेंट को फेस करने पड़े हैं। एक तो आपने मीटिंग 15 से 20 मिनट पहले ज्वाइन करनी है। हो सकता है लिस्ट के 4 से 5 बच्चों ने पीछे इंटरव्यू ज्वाइन ना किया हो और आपकी बारी 10 से 15 मिनट पहले आ जाए, तो उसके लिए आपका मीटिंग में अवेलेबल होना जरूरी है। इसलिए आप 15 से 20 मिनट पहले मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। दूसरी जो कंडीशन आती है कि मैंने इंटरव्यू को ज्वाइन कर लिया है, मेरा टाइम गुजर चुका है, अभी तक मेरी बारी नहीं आई। इस कंडीशन में ये हो सकता है कि पीछे जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनका इंटरव्यू एक्सटेंड हो गया हो, 3 मिनट से 5 मिनट पे चला गया हो काउंटर क्वेश्चन के चक्कर में। इसके लिए आपने पेशेंस के साथ वेट करना है, जब तक आपकी बारी नहीं आ जाती या जब तक इंटरव्यू टाइम एंड नहीं हो जाता। नेक्स्ट, जी ज्वाइन मीटिंग ऑन गिवन डेट एंड टाइम। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि मेरी कल डेट है बट मैं आज ज्वाइन करना चाहता हूँ, कर लूँ। इसके लिए वो शीट को फॉलो कर रहे होंगे, काइंडली अपने टाइम के मुताबिक ही ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है प्रोग्राम खराब हो जाए। बेहतर है खराब होने से
आप अपने टाइम पे ही अटेंड करें, अगर बिजी भी हैं तो 3 से 4 मिनट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं। उसके जी तो नेक्स्ट जो इशू आ रहा है वो है टाइम का। बच्चों को पता ही नहीं चल रहा कि मेरा इंटरव्यू किस वक्त है, क्योंकि उधर एएम और पीएम मेंशन नहीं है। और दूसरा ये इशू है कि इंडोनेशियन टाइम के मुताबिक इंटरव्यू होगा या कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। सो एम्बेसी पाकिस्तान में ही है, सो आपका इंटरव्यू पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक होगा। नेक्स्ट जो टाइम है वो उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक तो एएम पीएम और दूसरा 24 आवर होता है। सो अगर 5 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा 5 AM, और अगर 17 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा 5 PM। 12 के बाद आगे आप घंटे काउंट कर सकते हैं 24 तक, तो उसको आप खुद ही PM में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जी ये थी आज की वीडियो, होप सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।